जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में आपके लिए जो लेकर के आया हूँ वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको मंत्र साधना बताऊंगा वो शमशान जागरण प्रयोग है। और देखिए, बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है, इसमें तो बिल्कुल भी संदेह है ही नहीं। शमशान को जागृत करना, ये एक अगढ़ सिद्धि के अंतर्गत आता है। और एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, कमज़ोर दिल वालों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, शमशान जागरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों इसका महत्व ज़्यादा है? क्योंकि जब हम कोई भी ऐसी अगढ़ सिद्धि करते हैं, यानी शमशान प्रयोग कोई भी करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि शमशान जागरण जब हम कर लेते हैं तो हमारा जो अंदर का भय है, अंदर का जो डर है, वो डर समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब तक हम शमशान का जागरण नहीं करते, जब तक हम उन भूत प्रेतों की छवियों को नहीं देखते और उनके कैसे कैसे रूप हैं, कैसे कैसे उनके क्रियाकलाप हैं, उन सब चीज़ों को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक हमारे अंदर एक डर बना रहता है। और जब हम किसी भी चीज़ से या किसी भी शक्ति से आमने सामने रूबरू हो जाते हैं, मतलब कि उनको देख लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, तो फिर उस शक्ति से हमारा डर भय समाप्त हो जाता है। आधे लोग तो यही समझते हैं कि भाई अगर शमशान में चले जाएं तो भाई शमशान में मत जाओ, अरे वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ बहुत तीव्र ऐसे भूत प्रेत रहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो जब तक हम उसमें कदम नहीं रखते, तब तक हमारे दिल में यही रहता है कि भाई वहाँ जाओगे तो बेवजह कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। और जब हम वहाँ जा करके और वहाँ पर उन चीज़ों को प्रत्यक्ष देख लेते हैं, प्रत्यक्ष उनसे बातचीत कर लेते हैं, तो फिर हमारा डर खत्म हो जाता है। फिर तो कभी भी जाओ, कभी भी आओ और जा करके अपना कार्य कर लो, तो वो डर नहीं रहता उसके अंदर फिर। क्योंकि अगर मान लिया हम किसी चीज़ को पहले पास से देख लें, उससे बातचीत कर लें, कोई भी हो चाहे वो, तो फिर आप उससे डरोगे क्या? नहीं डरोगे उससे, क्योंकि आप के आमने सामने आप उससे बैठ करके बातचीत कर चुके हो, तो वो डर खत्म हो जाता है। अब यहां पर अगर मान लिया भाई तुम अगढ़ साधना जो है उसमें कई बार शमशान में जाकर के शमशान को जागृत करना होता है, और जागरण करने पर पूरा शमशान जाग जाता है, और जितने भी भूत प्रेत होते हैं वो चारों तरफ से आकर के एकत्रित वहीं पे हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं सब, और अपने अपने भयानक भयानक रूप जो है वे दृश्य आपके सामने आते हैं। उसमें ब्रह्म राक्षस भी होते हैं, ब्रह्म पिशाच भी होते हैं, भूत प्रेत बेताल सब होते हैं। लास्ट में जब इनका जो राजा होता है, जो महाभैरव बेताल है, जब वो आता है तो सब लोग ये इधर उधर भाग जाते हैं। मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई थी और मैंने वीडियो डाली हुई थी शमशान भैरवी मृगाक्षी की, जो सत्य घटना है, सत्य कथा है, वो मैंने डाली थी। उसमें एक जगह शमशान जागरण का प्रयोग किया था भैरवी ने, और गुरु उसका उसके पास बैठा हुआ था। तो आप ने जब मैंने वो पूरी कथा सुनाई है, अगर आपने वो सुनी है ना, तो आप समझ सकते हैं कि वो सत्य है, ऐसा ही होता है। कुछ भूत प्रेत चीरते फाड़ते आते हैं, कुछ अजीब अजीब ढंग के आते हैं, अजीब अजीब चेहरे के आते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों को तो वहीं पे गिग्गी बन जाती है और वहीं मूर्छित भी हो जाते हैं, बेहोश तक हो जाते हैं। लेकिन जब एक एक बार वो कर लेते हैं, एक बार वो इस सीन को पूरा देख लेते हैं, फिर उनके अंदर डर नहीं रहता है। तो अब यहां पर जो है,
मैं आपको जो बताऊंगा वो शमशान जागरण का प्रयोग मैं बता रहा हूं। और एक चीज़ और, शमशान जागरण की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है, आप अपना कोई कार्य भी करवा सकते हैं। मान लिया कि आप जगने अगर शमशान जागरण किया है, या उस वक्त में जैसे कि मान लिया आप कर रहे हैं और आपके चारों तरफ वो चीज़ इकट्ठा हो जाती है, तो आप अपना कार्य उनको सौंप सकते हैं कि भाई हमारा आपको ये कार्य करना होगा, ये हमारा काम है। हो सकता है उसके बदले में वो कुछ आपसे मांगे, तो जो उचित लगे उस चीज़ को आप प्रदान कर दें उनको, तो फिर आपका कार्य 100% होता ही होता है। ये शमशान जागरण का नियम है, क्योंकि अगर वो आपका कार्य करते हैं तो बदले में तो आपसे कुछ ना कुछ वो जरूर लेंगे, चाहे वो कुछ खाने के लिए मांगे, अक्सर खाने के लिए ही मांगते हैं कि कुछ भी आप चाहें तो उनको दे सकते हैं, जो भी उचित लगे, या फिर वो जो मांगे और आप सोचे कि भाई हाँ इस चीज़ को हम दे सकते हैं, तो फिर आप उनको हाँ कर दें, अन्यथा उनको मना कर दें कि भाई मैं ये चीज़ नहीं दे पाऊँगा, मैं तो आपको ये चीज़ दे सकता हूँ। ठीक है, एक सौदा ही होता है वहाँ पर भी। ठीक है, अब इसके द्वारा आप बहुत से अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई ज़रूरी कि भाई आप किसी को मृत्युबाण ही छोड़ेंगे किसी के ऊपर, या फिर आप किसी को मृत्युदंड देंगे, या फिर कोई मारण प्रयोग करवाएंगे, उनसे उच्चाटन करवाएंगे, ये कोई अच्छे कार्य तो है नहीं। भाई किसी व्यक्ति को परेशान करना ये कोई अच्छे का वो नहीं है, उनका तो दंड तो फिर भुगतना पड़ता है। हालांकि जो भी वहाँ पर आत्माएं हैं वो भी नहीं चाहती हैं गलत काम करना, तो लेकिन जब आप उनको कहेंगे मजबूरीवश उनको करना पड़ता है फिर, लेकिन उसका दंड आपको फिर ज़रूर मिलता है। कहते ना कि कर्म की पूजा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा, ये तो निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए अच्छे कार्य करो। अगर मान लिया किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी के घर में लड़ाई दंगा हो रखा है, या फिर वो व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति परेशान है, उसके ऊपर जो भी किसी तरह का घर पे किसी का कुछ कोई भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कुछ भी हो, आप उस चीज़ को वहाँ से हटा दीजिए और आपको मैं ये चीज़ दूंगा, और वो मतलब कि आपका कार्य हो गया, समझिए फिर। क्योंकि वो सारी आत्माएं जितनी भी हैं वो सब इकट्ठा होकर के और आपके कार्य को करती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रयोग को कैसे करना है। अब शमशान जागरण तो आप कर लेंगे, लेकिन उसको फिर शांत भी तो करना है ना, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको जो बताऊँगा, बिना किसी सामग्री के आपको ये जागरण का प्रयोग मैं बताऊँगा, और ये बहुत तीव्र प्रयोग है। ये इसको करना कैसे है, इसमें ना तो किसी माला की आवश्यकता है, ना ही किसी आपको यंत्र की आवश्यकता है, ना किसी दीपक की आवश्यकता है, किसी और चीज़ की बिल्कुल भी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, आपका गुरु आपके साथ होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास आपका रक्षा घेरा सिद्ध होना चाहिए, और इष्ट की पूजा आप करते हों जरूरी है, अपने इष्ट की। अब देखिए आपको करना क्या है कि या तो आप अपने गुरु को साथ ले जाएं, या फिर आप इतने हिम्मत वाले हों कि भाई आप वहां जा कर के और कर सकते हैं, या तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए इतनी, या फिर आप पहले से वहां जाते हैं, किया है आपने कुछ वहां पर क्रियाएं, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको अपने साथ में एक तो जल का करवा, करवा मतलब कि मटकिया होती है छोटी सी मटकी, जल की ले जाएं भर के, और थोड़े से खील और बतासे जरूर ले जाएं अपने साथ में, और कुछ ले जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसके बाद क्या करना है, जब आप रात को वहाँ पर 10 बजे के बाद आप पहुँचेंगे,
ठीक है, स्नान आदि करके घर से ही जाएं, कपड़े पहन करके जाएं, वहां जाकर के सारे कपड़े उतार दें और जो मुर्दे की भस्म है वो अपने शरीर पर मल लें और उसी को नीचे बिछा करके आसन बना लें और अपने चारों तरफ आपको रक्षा घेरा जरूर लगाना है। अब वो रक्षा घेरा आप चिमटे से लगाएं या आप किसी भी तरीके से, जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से, जहां आप बैठें वहां से 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए चारों तरफ, और पूरे 2 मीटर की दूरी के बराबर चारों तरफ सुरक्षा घेरा आपको बना देना है। सुरक्षा घेरा बना करके पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। आपका मुख जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो पानी है या फिर आपके पास में जो भी सामग्री है वो जैसे खील बतासे हैं वो सुरक्षा घेरे के अंदर ही आपको रखना है। और फिर आपको जो है बिना माला के आपको क्रिया शुरू कर देनी है। सबसे पहले आपको अपने गुरु का आवाहन तो करना ही है, गुरु जी को नमस्कार करके गुरु मंत्र का ज़्यादा नहीं 5 मिनट जाप कर लें, ठीक है। 5 मिनट जाप करने के बाद अपने इष्ट का भी ध्यान करें और उनका भी कुछ जाप करें, अपने इष्ट देव का जो आपके इष्ट देव हैं। और उसके बाद में फिर आप मंत्र जाप शुरू कर दें, आंख बंद करके शमशान जागरण का मंत्र आप जपना शुरू करेंगे। अब वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, क्रीम क्रीम कालिके भूतनाथाय रौद्र रूपाय भूत प्रेत पिशाच जाग्रह शमशान उत्थाप्य क्रीम क्रीम कालिके फट। इसमें ना तो कोई टाइम की सीमा है और ना ही मंत्र जाप की सीमा है कि भाई आपको इतनी माला करना है, इतनी देर, इसमें कोई लिमिट नहीं है, केवल आपको मंत्र जाप करते रहना है। और आप देखेंगे कि जब आपका मंत्र जाप चलता रहेगा तो शमशान जागरण होगा। और दूसरी बात कि जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही हो जाए, 3 दिन भी लग सकते हैं। और इसको करना है जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है उस दिन से शुरू करना है और अमावस्या तक करना है, ठीक है, और 3 दिन करना है। तीसरे दिन अमावस्या के दिन में शमशान जागरण हो जाएगा और जब जागरण होगा तो धीरे धीरे पहले छोटे मोटे भूत प्रेत आएंगे, कुछ दृश्य देखेंगे। आंख बंद किए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आंख खोल के देखेंगे तो डर भी सकते हो, इसलिए हिम्मत वाला होना चाहिए। जब आप जागरण करते रहेंगे जागरण करते रहेंगे, लास्ट में आएगा जो इनका मेन जो मुख्य है वो लास्ट में आता है, तभी वो जागरण संपूर्ण माना जाता है। उससे पहले भूत प्रेत आते हैं, अगर आप चाहते हैं उस वक्त में कि भाई आप कोई कार्य करवाना चाहते हो उनसे तो आप उनको बोल सकते हैं। अब जो आपके पास में बतासे हैं और आपने खील वगैरह रखी हुई हैं उन सबको बांट दें, उन सबको मतलब घेरे में, ऐसे नहीं कि प्रसाद हाथ में जाकर के देना है, बाहर नहीं निकलना है घेरे से बिल्कुल भी, नहीं तो चीर फाड़ देंगे। आप घेरे के अंदर ही रहेंगे और दूर से ही फेंक देना है और वो खा लेंगे उसको, उसके बाद वो आपसे पानी मांगेंगे फिर पीने के लिए, और वहीं खड़े खड़े आपको उससे पानी की धार जो है उनके लिए सबको दे देनी है, वो तृप्त हो जाएंगे। फिर आपसे वो कहेंगे कि बताइए आपको क्या चाहिए, उसके बाद फिर आप उनसे अपना कार्य बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा कार्य ही कराएं, ये अच्छी अच्छी बात है, उनको भी अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि किसी को कह दें कि जाओ फलाने आदमी को तुरंत खत्म कर दो, तो वो तो खत्म कर देंगे लेकिन भैया फिर आप जानते ही हैं कि उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा फिर तो। तो देखिए ये जो प्रयोग है ये थोड़ा सा तीक्ष्ण प्रयोग है, बहुत तीव्र है ये, और इस प्रयोग में साधक को जो है हौसला और हिम्मत हो
उनको ही ये प्रयोग संपन्न करना चाहिए, नहीं तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अगर आपके साथ कुछ भी किसी भी प्रकार का अनिष्ट वहां पर हो जाता है तो। हालांकि सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे, डरेंगे नहीं, तो कोई अनिष्ट नहीं होगा। और जब आप इस क्रिया को पूर्ण कर लें, फिर उसके बाद में आपको शमशान को शांत करने का भी आपको मंत्र जाप करना है, क्योंकि आप चाहेंगे कि भाई अब मैं उठ कर के वहां से चलूं तो चारों तरफ तो भूत प्रेत घूम रहे हैं, कैसे उठ करके आओगे, क्योंकि वह तो जागरण तो हो चुका है, अब उसको शांत भी तो करना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था शमशान को शांत करने का मंत्र आपको पहले सिद्ध करना है, 3 दिन में वो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। पूरी वीडियो मैंने दी हुई है और इसका भी लिंक मैं दे दूंगा इसी में, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो या फिर वीडियो को आप चैनल पर सर्च भी कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। आपको खाली लिखना है शमशान शांत करने, बस खाली शमशान शांत ही लिख देना तो आपको वीडियो आ जाएगी आपके सामने। और उसमें जो मंत्र है उसको आप पहले सिद्ध कर ले, तभी प्रयोग होगा वो। उसमें आपको बोलना है ओम भम भम भूतनाथाय शांत रूपाय शमशान शांताय भूतनाथाय नमः। तो इस मंत्र का जाप आपको बराबर लगातार करते रहना है जब तक शमशान शांत नहीं हो जाता, और शमशान आप देखेंगे कुछ ही देर में फिर शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाए तो फिर आप वहां से सुरक्षा घेरे से बाहर निकल करके अपने घर चले आए, और चाहे तो वहीं पर स्नान भी कर सकते हैं, अगर कोई नदी है किनारे तो वहां पर स्नान कर ले, या शमशान में तो कई बार नल भी होती है वहीं पर, तो स्नान कर सकते हैं वहीं पर और अपने कपड़े बदल करके पहन करके चले आए, या फिर अगर कपड़े पहन करके आते हैं तो फिर आप घर आ करके स्नान करते हैं तो उन कपड़ों को आपको धोना पड़ेगा जिनको पहन करके आए हैं, और आपको स्नान घर पे आ करके फिर कर लेना है। तो देखिए ये जो तरीका है, ये सही तरीका और सही मंत्र मैंने आज आपको बता दिया है कि वास्तव में इसी प्रकार से ये चीज़ होती है। अब दिक्कत क्या है कि भाई या तो गुरु हो साथ में, या फिर आप खुद इतने हिम्मत वाले हों, या एक दो बार आप करके पहले जा चुके हो वहाँ पर कोई साधना कर चुके हों, तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। हालांकि तीक्ष्ण है प्रयोग, इसमें आप किसी न किसी की सलाह लेकर के ही करें प्रयोग को, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।